विधानसभा खड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त हम है पकड़ियार बाजार में और जानेंगे यहाँ की जनता का राय कि जनता इस बार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट करेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समतुल्ला अंसारी। इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव का मुद्दा क्या होगा? रोजगार का होगा। क्या लगता है आपको कौन दे सकता है रोजगार? रोजगार इस समय के हालात से तो अखिलेश सिंह दे सकते हैं। वर्तमान विधायक का दावा है कि हमने 100 नई सड़कों का जाल दिया है, आपको दिखता है? हमको नहीं दिखाई दे रहा। क्या नाम है आपका? राकेश नाम है मेरा। वर्तमान विधायक के दावे के अनुसार खड्डा विधानसभा को 100 नई सड़कों का जाल दिया गया है, दिखता है कहीं? जी जी, सड़कों का काम कुछ हुआ है, कोई दो राय नहीं, सड़कों का काम हुआ है, जो दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ जो चुनाव चल रहा है मुख्य रूप से जो है महंगाई है, रोजगार है, इस पे जो चुनाव हो रहा है, भ्रष्टाचार है, इस पे चुनाव हो रहा है। इसलिए जनता जो है इस बार जो है अपना मूड बना चुकी है कि इस बार जो हमारे स्थानीय प्रत्याशी है विजय प्रताप कुशवाहा जी, तो किसी दल से नहीं है, निर्दल है। इसलिए सभी लोगों ने जो विचार बनाया है कि हम लोग जो है इस बार जो है विजय प्रताप कुशवाहा को वोट करेंगे। अभी आपने कहा महंगाई को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, तो महंगाई केंद्र सरकार कंट्रोल करती है और विजय प्रताप कुशवाहा जो है वो निर्दल प्रत्याशी हैं, तो इसमें महंगाई का कंट्रोल कैसे होगा? महंगाई का कंट्रोल क्यों नहीं होगा? निर्दल प्रत्याशी निर्दल हमेशा थोड़ा रहेगा। निर्दल प्रत्याशी जीतने के बाद से जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी में जो है सम्मिलित होता है, जाकर सम्मिलित होते हैं और वो उनको जो है मंत्री का दर्जा भी मिल सकता है। हम तो चुनाव जीतने के बाद से मांग करेंगे कि उनको मंत्री का दर्जा मिले और मंत्री बनने के बाद से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे खड्डा का विकास होगा। विधानसभा खड्डा में 150 ग्राम सभा है और वर्तमान विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने 300 ग्राम सभाओं की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ा है, कैसे? जी जोड़ा है, सरकार थी, अब उसमें जो कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार थी तो डबल विकास हुआ। पूछ ये रहे हैं कि विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जो कि वर्तमान में विधायक रहे, उन्होंने 300 ग्राम सभाओं की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ा है, जबकि विधानसभा खड्डा में 150 ग्राम सभा है। ऐसा है, वो 300 400 500 कुछ भी कह रहे हैं, सड़क बनी है लेकिन 300 नहीं बनी है। यही बगल में आपके जाइए देखिए, हच 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 कूद कूद कर लोग निकल रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज तक नहीं बना था कि मैं भी तो खड्डे विधानसभा का है। सरकार का दावा है कि हमने गड्ढा मुक्त सड़क दिया है। गड्ढा मुक्त तो किया है, बहुत कम किया है। अभी यहाँ बगल में कौआ सर से पकड़ियार बाजार तक है, बहुत खराब है। भादों में कोई बरसात में कोई उसमें मोटरसाइकिल लेकर जाता है, गिर जाता है। लेकिन यहाँ खड्डा विधानसभा के मुख्य लड़ाई है निर्दल प्रत्याशी विजय प्रताप कुशवाहा, वो कोई पार्टी से नहीं है, पार्टी से टिकट नहीं मिला, क्योंकि सभी खड्डा विधानसभा के पिछड़ा वर्ग ले पिछड़ा वर्ग के सभी लोग एकजुट होकर विजय प्रताप कुशवाहा को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएंगे। खड्डा विधानसभा की जनता, पकड़ियार बाजार की जनता विधानसभा चुनाव में विधायक चुनना चाहते हैं विजय प्रताप कुशवाहा का, क्यों चुनना चाहते हैं, आखिर क्या क्या खास है उनमें? ये हमारे घर के बगल का है खड्डा विधानसभा के, यहाँ पे जो भी पार्टी है बाहरी लोग को टिकट पैसा पे बेचती है, इनके पास पैसा नहीं है इसलिए इनका टिकट काट दी, तो पूरे पब्लिक खड्डा विधानसभा के पब्लिक इनको निर्दल प्रत्याशी कहा कि आप खड़े होइए, हम लोग आपके साथ हैं, इसलिए इनके साथ सभी पब्लिक हैं। इनका राजनीतिक करियर जो है 10 वर्षों से या 15 वर्षों से उन्होंने जो है इस खड्डा विधानसभा में भ्रमण किया है और लोगों का सहयोग किया है, इस दम पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं और काफी लोगों में उनका संपर्क है और काफी लोगों का उन्होंने सहयोग किया है और उन्होंने अपना राजनीतिक करियर जो है बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत किया था, बहुजन समाज पार्टी में कुछ जो है कमियों के कारण उन्होंने छोड़ दिया, फिर समाजवादी में वो अपना लाइन लगाए थे इसलिए उनका टिकट कट गया जो, लेकिन जनता जो है अपना जो है प्रत्याशी चुन चुकी है, जनता के प्रत्याशी है वो विजय प्रताप कुशवाहा, जनता के प्रत्याशी है, उनका दल भले नहीं है लेकिन वो जनता के दल से प्रत्याशी
चुने गए हैं और जनता ने उनको चुना है और इस बार चुन के और उनको विधानसभा में भेजेगी। खड्डा विधानसभा के युवा क्या चाहते हैं? युवा रोजगार चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ के लोगों का ओपिनियन है कि विजय प्रताप कुशवाहा, तो क्या आपको लगता है कि वो सत्ता में आएंगे तो आपको रोजगार और शिक्षा मिलेगा? एकदम बिल्कुल मिलेगा, आने वाले हैं वो बिल्कुल मिलेगा, वो विकास एकदम करेंगे। सत्ता में आ जाएंगे तो बिल्कुल विकास होगा, पूरा पकड़ियार बाजार का विकास होगा, पूरा खड्डा विधानसभा का विकास होगा। क्या नाम है आपका? जी रजनीकांत जितेंद्र कुमार कनौजिया। जितेंद्र कनौजिया, खड्डा विधानसभा की जनता किन मुद्दों पर चुनाव देगी, मतलब वोट करेगी? खड्डा विधानसभा जो है, सीधे सीधे बात है कि यहाँ बीजेपी तो कोई लड़ाई में है नहीं, मैं धोबी समाज से हूँ। क्यों लड़ाई में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, वो शिक्षा विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। मुद्दा मत गिनवाइए, बताने लगेंगे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। आप पत्रकारिता है, आपने बहुत पत्रकारिता किया है, आप बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मुझसे थोड़ी आप बताइए। ये तो जनता ही जानेगी ना। तो हम तो जानते हैं, हम तो पहले ही आपसे बोल रहे हैं, ये सरकार युवा विरोधी है, ये सरकार किसान सरकार, है। सरकार का दावा है फ्री राशन, फ्री वैक्सीन। ऐसा है, सुनिए, हम अगर जो 10,000 कमा कर अपने परिवार को नहीं खुश कर पा रहे हैं तो क्या 5 किलो राशन में खुश कर लेंगे? कभी नहीं, ये संभव है। हम युवा हैं, हमें नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, हमको इससे मतलब है। हवाई सरकार, फोक्स वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। हमारे जो धरातल पर हमको जो लाकर काम दिखाएगा, जो मेहनत संघर्ष करेगा, जो हमारे हक और अधिकार की बात करा, वो हमारा है। खड्डा विधानसभा में कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और शनि मंदिर का भी निर्माण किया गया, तो क्या ये विकास नहीं? ऐसा है, सुनिए, कोविड हॉस्पिटल लगाए हैं, अब आपका बात सही है, शनि मंदिर है भी, आपका बात सही है, मगर कोई बताइए कि उसी खड्डा विधानसभा में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हो 5 साल के अंदर, कोई गरीबों का स्कूल स्पेशल खुला हो, जो गरीब का पैसा होनहार हो, पढ़ने में तेज तरार हो, उसके पास पैसा का अभाव हो, उसमें जाकर पढ़े, कोई अलग से सरकार ने सिस्टम बनाया है? ऐसा आप क्या चाहते हैं? तो जब है नहीं तो हम उस सरकार के खिलाफ है। किसको चाहते हैं? हम देखिए, हम तो हैं कांग्रेस का, कांग्रेस के एक पदाधिकारी भी हैं, मगर जो हमारे हक, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे हक और अधिकार का बात करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसके साथ हूँ। युवा, एक युवा कांग्रेस, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पिछले जी पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, आखिर क्यों? क्या कांग्रेस ने पहले विकास नहीं किया? सुनिए, कांग्रेस ने क्या नहीं किया है इस खड्डा विधानसभा के लिए, कुशन जनपद के लिए? जब माननीय पूर्व में मंत्री रहे माननीय कुमार बीएन सिंह ने, तो कांग्रेस का ही सिंबल पर उन्होंने चुनाव जीता था, आज छोड़कर चल गए बीजेपी में, उससे मतलब नहीं है, मगर कांग्रेस का ही देन है कि उन्होंने गैस एजेंसी, कांग्रेस ने गैस एजेंसी दिया, पेट्रोल पंप दिया, सड़कें दी, क्या नहीं कांग्रेस ने दिया, वो कांग्रेस का ही माध्यम से जो भी विकास हुआ था धरातल पर, कांग्रेस का देन है। वर्तमान सरकार का दावा है कि उन्होंने फ्री सिलेंडर दिया। ऐसा है, फ्री सिलेंडर दिया तो पहले कांग्रेस ने गैस एजेंसियां खोली है, तभी उन्होंने फ्री सिलेंडर दिया है, जब उसका जड़े नहीं रहेगा तो पत्ता कहां से तैयार होगा? तुम्हारा नाम फेकुर साथ कुशवाहा। खड्डा की जनता को इस बार कौन पसंद है? विजय प्रताप कुशवाहा। क्यों? इसलिए कि भाजपा और जातिवादी व्यवस्था करती है और सपा भी जातिवादी व्यवस्था पर लड़ती है, वो केवल एक जाति विशेष के लिए अपना काम करती है, और हमारे जो विजय प्रताप कुशवाहा हैं वो गरीबों के नेता हैं, किसी जात धर्म के नहीं है, वो सर्व समाज के नेता हैं, इसलिए खड्डा विधानसभा के सभी लोग ये तय कर लिए हैं कि इस बार ये दोनों पार्टियां जो हैं जातिवादी वाली हटाकर अपने गरीब भाई को हम लोग अपना विधायक बनाकर भेजेंगे। खड्डा विधानसभा वर्तमान सरकार का दावा है कि उन्होंने 4.5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में दिया होगा, जो पाएगा वो कहेगा, ये तो नहीं कहेंगे। पुरानी पेंशन के लिए कितना शिक्षकों ने, कितना कर्मचारियों ने किया, अपने एमएलए को, एमपी को, सबको देते हैं, उसके लिए खजाने पर भार नहीं पड़ता है, और जो 30 वर्ष अपना जीवन व्यतीत करता है उसको देने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो हम कैसे माने कि वो किए हैं? को देना चाहिए ना। मान लीजिए इस क्षेत्र के सारे गन्ना सूख गया,
किसानों का कह रहे हैं कि हम दुगुना आय करेंगे, कैसे करेंगे? दो साल से गन्ना सूख गया और नवंबर के महीने में ही सर्वे कराकर और आज तक एक पैसा उनके खाते में नहीं आया। यहाँ तो सम्मान नहीं दिया था तो वो भी बैंक का बहाना कि बैंक खराब हो गया है। और 3 मार्च के बाद कौन पूछता है जनता को? तब तो लोग लखनऊ की गलियों का मजा उड़ाएंगे। देख रहे हैं आप विधानसभा खड्डा के लोगों की राय जो कि वर्तमान सरकार से काफी दुखी नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाह अंसारी। अब की बार किसको चुनना है? हमारे यहाँ तो विजय कुमार कुशवाहा जीतेंगे, उन्हीं बनाया जाएगा। सब जनता पास कर दिया है, अबकी बार है निर्दल प्रत्याशी विजय कुमार को, विजय प्रताप कुशवाहा को जिता कर हम लखनऊ भेजेंगे। और रही सवाल, आपने कहा कि 4 लाख नौकरी मिला, तो दलितों का काट करके दलित का नौकरी जो सब समाज है, कुशवाहा है, यादव है, मुसलमान, सबका नौकरी काट करके 19% जो है बढ़ोतर कर दिया गया है, तो कहाँ दलित का हित कर रहा है? दलित तो परेशान है, केवल केवल नारा है सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये हम लोग का ये नारा है, केवल दिखावा है, दिखावा नहीं है, है। सबका साथ सबका विकास होता एक साथ जोड़ करके लोग चलते। खट्टा विधानसभा की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी, क्या होगा? निर्दल पार्टी, निर्दल पार्टी, निर्दल पार्टी। क्या नाम है? जी, नाम क्या है आपका? राम। खट्टा विधानसभा की जनता वर्तमान सरकार की कार्यकालों से और जुमले पेंशन सरकार नहीं हम पर को देलो मरे का समय आ गला तक ले जी, तो हम का जानते हैं कौन सरकार? तो दावा सरकार तो दावा कर रही है कि हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सारा पेंशन कौन दिया है? कौन सरकार दिया है? ना मोदी दिया, ना योगी दिया है, आज तक ले मरने वाला समय आ गया। पेंशन का है कि फार्म भर के 2000 रुपया भेजता है वो भी बंद कर दिया। फार्म भर के जिला में सर रहा है, श्री में दिखावे के लिए हम पेंशन देंगे। जब आया है तो पेंशन जो है भरना शुरू किया गया है, ये मिला किसी को नहीं जी। आप समय पहले ही बताया हूँ कि सरकार किसान विरोधी है, ऐसे आदमी ऐसे सामने करिए कैमरा किन को, जो इतना बुजुर्ग जो इतना बुजुर्ग आदमी को सरकार पेंशन नहीं दे सकी तो हमको नौकरी क्या देगी? आप बताइए, किस सरकार की बात कर रहे हैं? विजय प्रताप कुशवाहा, विजय प्रताप कुशवाहा। हमारे यहाँ कांग्रेस, भाजपा, हाथी, टोटली सब लोग को आदमी हटा दिया, केवल विजय प्रताप कुशवाहा, विजय प्रताप। खड्डा विधानसभा की जनता और इस वक्त हम है पकड़ियार बाजार में और आपने इनकी राय सुनी और जाना कि इनका कहना है कि यहाँ की जनता केवल विजय प्रताप कुशवाहा को चुनने वाली है और क्यों चुनने वाली है वो भी आपने इनसे जाना। इन्हीं तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए। मैं हाजरा अंसारी।